प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना उत्तराखंड के गांवों में भी साकार हो रहा है। इतना ही नहीं, डिजिटल इंडिया के तहत हाईटेक हो रहे गांव के लोगों को अब अपने जरूरी कामों के लिए पैसा खर्च करके कई किलोमीटर दूर शहर जाने की जरूरत भी नहीं रह गई है। बिना कागजात के इस्तेमाल के तमाम जरूरी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच रही हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार भावर क्षेत्र में स्थित हल्दूखाता गांव में भी डिजिटल सेवा केंद्र खुल चुका है। इसका सीधा लाभ गांव और उसके आसपास की जनता को मिल रहा है। स्थानीय निवासी बलबीर का कहना है कि पहले उन्हें जिन कामों के लिए कोटद्वार बाजार जाना पड़ता था, वे सब काम अब गांव में खुले केंद्र से ही हो रहा है। इससे समय और पैसा दोनों की बचत हो रही है। गांव के ही युवा प्रद्युम्न भंडारी का कहना है कि डिजिटल सेवा केंद्र खुलने से सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। युवाओं को पहले सेवा योजन कार्यालय में काम होने पर 55 किलोमीटर दूर लैंडस्टोन जाना पड़ता था, लेकिन अब सब सूचनाएं और सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं। यहां पे हमें काफ़ी सुविधा मिली है, जो हमारा खर्चा कोटद्वार से बच जाता है काफ़ी, और नहीं तो हमारे 100-200 रुपये खर्च हो जाते हैं बिजली का बिल जमा करने से। केंद्र सरकार के लिए यही कहेंगे कि हमको सुविधा मिली है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी जी जो मंत्री हैं, उन्होंने जो योजना करी है यहाँ पे, तो सुविधा के लिए करी है, जो हमको सुविधा मिली है यहाँ पर। मैं यहीं पर नज़दीक में रहता हूँ, जब से डिजिटल सेवा केंद्र खुला है तब से मतलब हमारे भावर को बहुत मदद मिली है। लोगों का काम आसान हो जा रहा है, नज़दीक है, मतलब सारी फैसिलिटी मिल जा रही है, जिसके कारण लोग मतलब उन्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी है, पैन कार्ड आधार कार्ड, तो मैंने भी कितने बार यहाँ पर पैन कार्ड बनाया अपना और आधार कार्ड सुधारा है। मैं केंद्र सरकार की योजना को धन्यवाद कहता हूँ। वहीं डिजिटल सेवा केंद्र के संचालक आकाशदीप रावत का कहना है कि केंद्र के माध्यम से बिल जमा करने, प्रमाण पत्र प्राप्त करने, टिकट बनवाने से लेकर लोगों के तमाम सरकारी कार्य किए जा रहे हैं। लगभग करीब 2 साल पहले खोला था और यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे बिजली का बिल जमा कराना हो, पानी का बिल जमा कराना हो, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, ETST की सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और पैन कार्ड और आधार कार्ड में करेक्शन या नया कार्ड बनाना हो, सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। नहीं तो पहले लोग यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर मार्केट जाते थे, और वहाँ से आधार कार्ड, पैन कार्ड या छोटा सा बिजली का बिल जमा करवाना हो उन्हें, तो उसके 10 से 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिससे उनका टाइम समय और पैसे दोनों की खपत होती थी।